दोस्तों, मेरा नाम है राम गोविंद प्रजापति। आप सब लोगों का मेरे लेटेस्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल बहुत बहुत सा स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों को मैं एक ऐसा वीडियो आज लेकर के आया हूं जिससे आप लोग को एक विशेष जानकारी मिलेगी और इस अर्टिका गाड़ी के बारे में आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। प्लीज़, इस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे लेटेस्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के प्रेस करें ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं यह अर्टिका गाड़ी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यह गाड़ी में एक मुझे बहुत बुरा चीज़ लगा है जो अभी तक मैं सोचा नहीं था, और मुझे यह अंदर से इतना आघात लगा कि मैं आप लोगों को बताने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसी तरह से अगर कोई भी हमारे मित्र गाड़ी खरीदना चाहते हैं अर्टिका मारुति का, तो उसमें आप लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि इसकी एवरेज क्या है। एवरेज दोस्तों मैंने निकाला है कल, और ये एवरेज क्या दे रही है मैं इसको आप लोगों को बताने जाना। ज़्यादा समय आप लोगों का बर्बाद नहीं करूँगा। तो दोस्तों, मैं 27 तारीख को मैं रीवा गुड़ के लिए गाड़ी भेजा था और 2150 का पेट्रोल मैंने यहाँ से डलवाया था अपने सिंगरौली से, और 2150 के पेट्रोल डलवाने पर के बाद गाड़ी हमारी यहाँ से रीवा गई है, गुड़ गई है, और 190 किलोमीटर ड्राइवर के बताया अनुसार 190 किलोमीटर चली है। इसके बाद फिर से गाड़ी में हमने, ये आप लोगों के सामने पर्ची है, आप देख सकते हैं, इसमें 1500 का पुनः से पेट्रोल डलवाया गया है जो आपके सामने पर्ची में दिखा रहा हूँ। ये 1500 का दोस्तों ओरिजिनल पर्ची है, 1500 का पेट्रोल इसमें डलवाया गया, और 12.54 लीटर मिला है। इसके बाद गाड़ी जो है चलती आई फिर से कम लगा, लो फ्यूल बताया, तो पुनः से 500 का पेट्रोल जो है दोबारा ड्राइवर ने डलवाया है। तो ये कुल मिला करके लगभग 4000 रुपये का पेट्रोल इसमें हमने डलवा लिया है। और गाड़ी चली कितना है दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ आन करके दिखा रहा हूँ। मैंने जीरो MID जीरो करके भेजा था, और यहाँ पे बढ़िया से दिखाओ, यहाँ से 386 किलोमीटर दिख रहा है दोस्तों, 386 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब 4000 में 386 किलोमीटर चल रही है तो लगभग 10 किलोमीटर का एवरेज दी है गाड़ी, 1 लीटर में 10 किलोमीटर चली है। तो दोस्तों, इस तरह 19 का एवरेज लिखा हुआ है कंपनी ने, अगर 10 किलोमीटर एवरेज देगी तो इस गाड़ी को लेने से क्या फ़ायदा है, नुकसान के अलावा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अर्टिका गाड़ी, मारुति की अर्टिका गाड़ी लेने से पहले, पेट्रोल गाड़ी लेने से पहले आप लोग इस चीज़ को जान लीजिए कि जो आप सपना देखते होंगे कि 19 के जगह 17-18 का एवरेज मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है दोस्तों। आपको 10-11-12 का एवरेज मिलेगा, इसी में संतोष करना पड़ेगा। अगर आपको इतना क्षमता है कि मतलब 115-116 रुपया में आप 10 किलोमीटर चलेंगे तो आप इस गाड़ी को लें, वरना तो मैं चाहूँगा इस गाड़ी को डिसलाइक करें, बल्कि इसके जगह कोई दूसरा गाड़ी लें। तो दोस्तों, आज यही मेरे को इस वीडियो में बताना था। मुझे आशा है कि वीडियो आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे लेटेस्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, आल पर सेलेक्ट करें, ताकि इस तरह से नॉलेजफुल वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। दोस्तों, आइए यही वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।